पलक चौहान और आज मैं मौजूद हूँ जिलानी पार्क में। और यहाँ की एक खास बात, जो आप मेरे पीछे फ्लावर्स भी देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर फूल सजाए गए हैं और ये है गुले दाऊदी की नुमाइश। हम आपको इस नुमाइश के बारे में भी बताएंगे, आपको विजिट भी कराएंगे, कुछ स्टॉल्स भी मैंने देखे और आप मेरे पीछे म्यूजिक भी देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं, गुले दाऊदी की जरा फूल भी हम देखते हैं और इसके अलावा फेस्टिविटी क्या चल रही है वो भी देखते हैं। आइए चलते हैं। गुले दाऊदी की आपको एक खास बात बताती चलूं, वो बात ये है कि गुले दाऊदी की उम्र 15 से 20 दिन होती है और इसी वजह से PHA के इश्तराक से यहाँ पर नुमाइश लगाई गई है ताकि लाहौरी जो है वो इंजॉय कर सकें और इस बहार को फेस्टिविटी के तौर पर ले सकें। मुझे यहाँ के बहुत मजा है, मैं एंजॉय कर। मैं यहाँ पे गुले दाऊदी की नुमाइश देखने आया हूँ। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैंने कुछ स्टॉल से चीज़ें भी खरीदी हैं, बहुत अच्छी थी। मेरी आज स्कूल से छुट्टी भी थी तो मैं यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। स्मोक की वजह से लाहौरी बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, जिसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का भी शिकार अफराद हो चुके थे। लेकिन आज माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा है, फूलों की बहार क्योंकि जिलानी पार्क में आ चुकी है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पे आज मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स भी देख रही, इंजॉय कर रही थी, तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लगा है, देखिए बहुत अच्छा है। बहुत सी फैमिलीज आई हुई हैं, पहले जैसे सिचुएशन थी यहाँ पे स्मॉग की, उससे हट के बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लावर्स बहुत सी फैमिलीज आई हुई हैं देख के, बच्चे भी हैं, खुश हो रहे हैं सारे, और बहुत अच्छा सारा इवेंट। और इस तरह ऐसे होने चाहिए इवेंट्स और इस तरह की, ताकि लोग खुश होएं, निकलें बाहर, निकलें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी वालेकुम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हलीमा है। अच्छा हलीमा, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रही है? जी बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह के इवेंट्स लाहौर में होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इंजॉय होना चाहिए, बहुत फन होना चाहिए जिंदगी में, जितनी जिंदगी है फन तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जितनी ज़िंदगी है उसमें फ़न तो होना चाहिए, और हलीमा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। हलीमा, कौन से फ्लावर्स आपको ज़्यादा पसंद आए, कौन से कलर के? मुझे ज़्यादा रेड कलर के। रेड कलर के फ्लावर्स हलीमा को बहुत पसंद आए? क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। जी मेरा फेवरेट है। हलीमा को इसका मतलब है रेड कलर उनका फेवरेट है और उनको यहाँ पर जो गुले दाऊदी के रेड फ्लावर्स हैं वो बहुत पसंद आए हैं। मेरे साथ अस्मा भी मौजूद है, अभी इन्होंने गाना भी ये गाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनसे भी बात करें और इनसे पूछें यहाँ पर आकर कितना एंजॉय करी है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा मुझे बताएं, आप तो यहाँ पे सिंगिंग भी कर रही थी, तो सिंगिंग आपका शौक है? जी जी जी, ये मेरा शौक है, शुरू से ही, मैं स्कूल लाइफ में जब से थी तब से मैं गाती थी। तो कोई हमें गाना सुनाएंगी? जी जी ऑफ कोर्स। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जो तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। क्या बात है, क्या बात है अस्मा, बहुत अच्छा गाया आपने। अस्मा कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी जी बहुत अच्छा है, फ्लावर एग्जीबिशन बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि मतलब हम इंजॉय करते रहें, ऐसे ही यहाँ आते रहें और यहाँ पे इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। मुझे तो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया, फूल ही फूल हर तरफ है, म्यूज़िक है, मौसम बहुत अच्छा है। अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप 10 दिन के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन तक नुमाइश का आगाज़ हो चुका है, फूल भी मिलेंगे, म्यूज़िक भी मिलेगा, इसके अलावा फूड स्टॉल्स भी हैं। तो अगर आपने विज़िट करना है तो जिलानी पार्क आएँ और अपनी सर्दी की शामें हसीन बनाएँ।
फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।